नर्मदा जिला स्थित पोईचा मंदिर में चाली रहे संस्कृत शास्त्रार्थ समापन कार्यक्रम में गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत उपस्थित रहा, साथ ज गौधाम की मुलाकात कर गौमाता की विधिवत पूजा कर गौधाम लोकार्पण कर राज्यपाल हस्ते 100 रूमवाड़ू तीर्थालय लोकार्पण कर राज्यपाले संबोधन दरमियान हिंदू समाज ने संगठित थवा बाबते मीठी टकोर करी थी। आ कार्यक्रम में भारत देश राज्यों में विद्वान ब्राह्मणों और संस्कृत पाठशाला आचार्य हाजर रहा था। आप कहां से एक हैं? एक घर में पांच आदमी हैं, पांच उनके गुरुजी हैं, महिलाएं हैं उनके अलग गुरुजी हैं, हाँ या ना? जो लोग दिन में कई कई बार एक ही विचारधारा को लेकर इकट्ठे होते हों, उनके मुकाबले आप कहां ठीक होते हो? आपकी विचारधारा कहां खड़ी होती है? इसका रास्ता और तरीका विश्व कल्याण का, भाईचारे का, एकता का, स्नेह का, मोहब्बत का, जितना आपके पास था इतना तो कहीं था ही नहीं, लेकिन आप और हम तो उसको भुला चुके हैं। और वो रास्ता क्या था? केवल और केवल एक मार्ग, वो है वेद का मार्ग, वेद का मार्ग। अब बे दिवस से शास्त्रार्थ थयो, जेमा भारतना दशेक जेटला अलग अलग विद्वानों ना दल ए अहीं आया, अने एमणे 10 जेटला विषयों ऊपर एमणे व्याख्यानो आपी अने प्रकाश पाड्यो, अने छेल्ले महामहिम राज्यपाल श्री हमणा पधार्या तो एमणे शास्त्रार्थ पर कलश चढ़ावी दीधो, अने एमणे समग्र संस्कृति ने मूल एटले वेद, अने वेद माटे आपणे केवी रीते एकत्रित थई शकीए अने बधी ज शाखाओ अने संप्रदायो एक वृक्षनी जेम साथे मळीने रहे, एकाबीजाने मदद करता रहे, तो आपणुं गौरव, आपणी अस्मिता, आपणी संस्कृति ए बचेली रहे, एवी रीते आचार्य श्री एमनो आ कार्यक्रम रह्यो। एमनी साथे ज्यारे अहींया पधारता हता त्यारे अनुसंगिक नीलकंठधाम 100 एकर नी अंदर फैलायेलू तीर्थधाम क्षेत्र छे, अने एमां हजारो लाखो व्यक्तिओ वर्षे अहींया दर्शनार्थीओ आवे छे, तो एमना उतारा माटे अहींया एक तीर्थालयम एमनुं उद्घाटन हतुं जे एमना हस्तकमल द्वारा थयुं छे।